हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सी ड्रीम्स। और आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि रेलवे ने सर जो है सारे ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया अगस्त तक के लिए, और सिर्फ वो स्पेशल ट्रेन्स जो है वो चलाएगा। और इसी में सर आईसीआई के भी सर जो है एग्ज़ाम्स है 29 जुलाई से होने वाली है, तो अभी आईसीआई इस एग्ज़ाम्स को कैसे कंडक्ट कर पाएगा, क्योंकि जो मेजर स्टूडेंट्स हैं सर वो जो है यही रेलवेज़ के ट्रांसपोर्ट्स को लेके ही सर वो इसी से एग्ज़ाम देने जाते हैं अपने वेरियस सेंटर्स के ऊपर में। क्योंकि आईसीआई के बहुत सारे ऐसे जगह भी सेंटर हैं, मतलब जहाँ से बच्चे काफ़ी दूर दूर जगह से आते हैं, दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से पहुँच रहे होते हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि इस केसेस में आईसीआई एग्ज़ाम कंडक्ट कर पाएगा? अभी हाल ही में सर बहुत सारे एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुए हैं, एक बार हम लोग उसको देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आईसीआई जुलाई में होने वाले एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देगा या फिर इसको शिफ्ट कर देगा डायरेक्टली नवंबर के लिए। तो देखिए, अभी रिसेंटली जो है आईसीएसई ने भी अपनी एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सीबीएसई के फुटस्टेप को फॉलो करेंगे। अभी जैसे सीबीएसई ने अपने सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए 10th 12th के, वैसे ही हम भी अपने सारे एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देंगे अभी, और उन्होंने कर भी दिया है सर। ठीक है, जो भी पेंडिंग पेपर्स थी जो मार्च में होने वाले थे पेपर्स, है ना। उसके बाद सर एक और जो है एचआरडी मिनिस्ट्री की ट्वीट थी जिसमें सर एक टेट एग्ज़ाम होता है सी टेट का, ठीक है, जिसमें मतलब जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें मतलब टीचर पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जिसमें अप्रॉक्स आप पकड़ लीजिए सर कि लगभग 30 लाख कैंडिडेट जो है सर पार्टिसिपेट करते हैं, उससे भी ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि सर 5 जुलाई को होने वाली थी, उस एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा इशू है सर कोरोना वायरस अभी करेंट डेट के अंदर में। उसके बाद सर उसी कोरोना केस के वजह से सर वेस्ट बंगाल के अंदर में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा केसेस अभी करेंटली हो चुके हैं कोरोना के, और लगभग 591 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा चुकी है। इसके वजह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिया है कि उनके यहाँ जो लॉकडाउन है सर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 31 जुलाई को। तो सर जो आईसीए की एग्ज़ाम है सर वो 29 जुलाई से होने वाली, तो वो कैसे कंडक्ट हो जाएगा इस केस में वेस्ट बंगाल के अंदर में? क्योंकि सर वेस्ट बंगाल में सर सीए के मतलब वेस्ट बंगाल को एक तरह से सीए का हब ही कहा जाता है। दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ये सब वैसी जगह है जो सर सीए कम्युनिटीज़ की हब है, और सबसे ज़्यादा सर केसेस इन्हीं सारे जगहों पे है। दिल्ली में भी सर सबसे ज़्यादा केसेस है, वेस्ट बंगाल के अंदर में भी सर अभी ये परिस्थिति आ चुकी है कि वहाँ पर भी आप एग्ज़ाम नहीं करवा पाइएगा अभी, है ना। तो अभी इस केसेस में आईसीएआई सर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कर पाएंगी? ठीक है, उसके क्यों, देखिए एक रीज़न ये है सर आईसीआई का, हमको उनका स्टैंड नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्योंकि सर आईसीआई ने अपने जो उन्होंने 15 जून की जो नोटिफिकेशंस उन्होंने डाली थी उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि अगर एक बच्चा भी, ठीक है सर, अगर एक बच्चा भी चाहता है कि भैया हम एग्ज़ाम देंगे, तो जो हमारा शेड्यूल है 29 जुलाई से, तो हम उसी डेट से एग्ज़ाम लेंगे। तो ये जो अपना आईसीआई का स्टैंड है सर, ये अपने स्टैंड पर ऐसे भी क्लियर है, क्योंकि सर अभी तक इतने सारे रिसेंटली सर इतने सारे एग्ज़ाम्स कैंसल्स हो गए, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स कैंसल्स हो गए, इनफैक्ट सर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को भी पोस्टपोन्ड कर दिया गया है अक्टूबर में, है ना सर। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कैंसल्स करा गया है, तो उसके बावजूद भी सर आईसीआई अपने एक स्टैंड पे खड़ी है कि सर अगर एक बच्चा भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहता है तो हम उस एग्ज़ाम्स को लेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईसीआई क्या अपने स्टैंड को बदलेगा? क्योंकि सर अभी जो सिनेरियो है करेंटली वो काफ़ी वर्स्ट सिनेरियो है कोरोना वायरस के केसेस के लिए, क्योंकि रैपिडली सर केसेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सर रेलवे को जो है अपनी सारी ट्रेन्स को 12 अगस्त के लिए कैंसल्स करनी पड़ी। क्योंकि कोरोना का सबसे मतलब देखो, रेलवे आपको पता ही है सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है वो। तो सर मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जिन जिन बच्चों ने लाइक अपनी अभी ही ट्रेन की टिकट्स या रिजर्वेशंस करा दी होंगी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उन सारे बच्चों का पैसा रेलवे रिफ़ंड कर देगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और देखिए, आईसीए ने जो ये ऑप्ट आउट स्कीम लाया है, तो अभी हमको लगता है कि आईसीए इतना जल्दी अपने डिसीजंस को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि सर देखो एक केस यहाँ पे ये बन रहा है कि आईसीए जो है अभी वो इंतज़ार करेगा, क्योंकि देखो इन्होंने ऑप्ट आउट का डेट 27 तक दे के रखा है, तो हो सकता है आज की न्यूज़ के बाद बहुत सारे बच्चे अगले 2 दिन के अंदर में अपना जो है ऑप्ट आउट कर लें, क्योंकि सर देखो रेलवे के सारे पैसेंजर्स ट्रेन बंद हो चुके हैं ऑलरेडी,
तो सर अब पॉसिबल नहीं है कि बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके एग्ज़ाम्स को दे पाएंगे, तो ये भी काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। तो हो सकता है कि आईसीएआई ये इस अटेम्प्ट को जो है शिफ्ट कर दे, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था कि अब अगर शिफ्ट करने की नौबत आई या पोस्टपोन करने की नौबत आई तो डायरेक्टली हम लोग ये एग्ज़ाम्स को सर नवंबर में कर देंगे। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, आईसीएआई क्या कर सकता है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें बताइएगा। और एक न्यूज़ आज और है जो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा है सर, जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी आज का ये न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है, वो ये है कि सर आईसीआई ने नोटिस सर्व करा है आईसीआई को रोकने के लिए। वर्ड आईसीआई नहीं समझे सर, मैं समझा देता हूँ आपको। जो हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने सर एक नोटिस डाली है। सर हमारी जो इंस्टीट्यूट है आईसीआई, इन्होंने एक नोटिस डाली है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। वो उन्होंने ये कहा है कि सर आप जो है हमारी जो वर्ड है आईसीआई सर, उसको आप जो है पब्लिक फॉर्म पे यूज़ मत कीजिए, ठीक है। यही इनका मुद्दा है पूरा, क्योंकि आईसीआई का सीधा सीधा कहना है कि जो आईसीआई जो वर्ड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी का जो है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है। अब ये इशू तो आपको पहले से भी पता होगा, लेकिन अभी आज ट्रेंड होने का कारण ये होगा क्योंकि आईसीआई ने उनको एक नोटिस करा है, ठीक है। और ये न्यूज़ सर फिनैप डेस्क से हमने उठाया है, ठीक है। अभी सर आपको पता ही होगा कि ये सर ये जो दोनों बॉडीज़ के बीच में ये इशू चल रही है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। तो अभी तक इनका इस जो है इस इशू का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए यहाँ पे एमसीए बीच में आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो इस इशू को सेटल डाउन करेगा दोनों के बीच में। तो देखिए इस न्यूज़ से भी रिलेटेड क्या होता है ना। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो नोटिफिकेशंस और अपडेट्स है आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।